Make sure you subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest update. Assalamu alaikum beautiful people, this is me Rizwan. Welcome to another beautiful video. Well, today's video we are going to talk about a country, Canada. जैसे कि आप सबको मालूम है कि कनाडा इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेलकमिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कनाडा में जाना चाहते हैं लड़के, यहाँ से मोस्टली यूएई, सऊदी और ओमान, मस्कत वगैरह से जाना चाहते हैं एज़ अ ट्रक ड्राइवर, तो उनके बारे में ये वीडियो है. तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में और ये वीडियो आखिर तक कंप्लीट देखिए, तो मैं लास्ट में आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताऊँगा कि कनाडा के अंदर जो है वो ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी कितनी है, कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो सालाना महीने में वहाँ पे कितना कमा लेते हैं. और एक्चुअली बात की जाए सैलरी के बारे में, तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की जो सैलरी होती है वो आवरली बेस पे होती है, और दूसरे नंबर पे वो माइल्स के हिसाब से होती है. जैसे कि जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप मीटर, जो ट्रक का मीटर है वहाँ पे, उसके मुताबिक ट्रक चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, उसके मुताबिक आपको पे किया जाता है. तो अगर आप ट्रक ड्राइवर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ आपने एक ही कंट्री के अंदर या एक ही सिटी के अंदर आपने ड्राइव करनी है. मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको ट्रक के साथ आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है. जैसे कनाडा से आपने अमेरिका में जाना है, तो वहाँ से सिटी का हिसाब होता है. यहाँ से आपने अगर टोरंटो से आप अगर लोड उठाते हैं, तो वो आपने लेके जाना है न्यूयॉर्क लेके जाना है या लॉस एंजलिस लेके जाना है. तो इस तरह वहाँ पे काम चलता है. तो ट्रक की खूब अंदर की जो है हालत है वो देख लें कि कितना जो है वो लग्जेरियस इन्होंने ट्रक को बनाया हुआ है अंदर से भी, और मुकम्मल आरामदेह बनाया हुआ है. और इसमें आपको रेस्ट भी होता है कि आप 3 घंटे 4 घंटे ड्राइव करते हैं, उसके बाद आपका रेस्ट होता है, आप पार्क करके रेस्ट कर सकते हैं. तो चलिए अभी सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं कनाडा में, वहाँ पे क्या क्या सैलरी पाई जाती हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सैलरी का. तो ये आपके सामने कुछ प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ आपके सामने आई हैं. कनाडा की जो टेरिटरी या प्रोविंस उसको बोलते हैं या टेरिटरी बोलते हैं, उसमें अगर आप ट्रक ड्राइविंग में जाते हैं तो वहाँ पे आवर के हिसाब से मिलती है, 1 घंटे के हिसाब से मिलती है. तो यहाँ वहाँ पर सबसे लोएस्ट जो वेज है वो 14 आवर पर घंटा है, $14 पर घंटा है. उसके बाद मीडियम पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे $20 पर घंटा है. तो अगर हाईएस्ट पे जाते हैं, हाई पे जाते हैं, तो $32 पर घंटा है. तो अल्बर्टा में $18 जो है वो लो पे आता है, $26 मीडियम में आता है, और $39 जो है वो हाई सैलरी है. ब्रिटिश कोलंबिया का भी कुछ ऐसा ही है, $15 लो में है, $24 मीडियम में है, और हाई जो है वो $35 है. और न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में भी कुछ ऐसा ही है. उसके बाद सस्कैचवन स्टेट में $15.38 पर आवर एंड $23 मीडियन और $35 हाई पे जाता है. तो ओवरऑल अगर हम हिसाब लगाएं तो कनाडा या अल्बर्टा के हिसाब से लगाते हैं हम, $30 जो है वो पर आवर लगाते हैं. तो $30 पर आवर लगाएं तो हम काम करते हैं 10 आवर्स, ओके, 10 घंटे काम करते हैं एक दिन के अंदर. ये 10 घंटे मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम हम 10 घंटे काम करते हैं. तो अगर हम 10 घंटे काम करें तो एक दिन के हम $300 जो हैं वो अर्न करते हैं. $300 अगर हम 26 डेज़ काम करें $300 के हिसाब से, तो वो हम $4,800 जो है वो एक महीने में कमाते हैं 26 डेज़ काम करके. तो ये जो है वो ओवरऑल एक मंथ की सैलरी आपकी $4,800 बनती है. तो नॉर्मली भी आप काम करें वहाँ पे एज अ ट्रक ड्राइवर, तो $4,800 आप मंथली कमा सकते हैं. तो उसके अंदर आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह वो तो उस हिसाब से आपके चलेंगे, वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा. तो उसके बाद एक और प्रोविंस आ जाता है यूकॉन में, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं, 25 जो लोएस्ट है, 28 मीडियम है, और 32 जो है वो हाई में जा रही है. नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ बता रहे हैं इसमें काफ़ी लो है. मैनिटोबा जो कि भी एक न्यू स्टेट है कनाडा की, उसके अंदर जो है वो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है और बहुत सारा ये जो जॉब्स जो हैं वगैरह जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन उसमें सैलरी थोड़ी सी लो बता रहे हैं, 13 लो है, लो में बता रहे हैं, 20 जो है वो मीडियम है, और 29 जो है वो हाई बता रहे हैं.
उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ जाती है ओंटारियो। ओंटारियो में $13 पर आवर जो है वो लो में बता रहे हैं, $20 मीडियम आ जाती है, $29 जो है पर आवर हाई में आ जाती है। नेक्स्ट स्टेट वहाँ पे आ जाती है नोनावट, उसमें भी नॉर्मली रेट्स चल रहे हैं। उसके बाद न्यू ब्रंसविक, वहाँ पे भी रेट्स जो हैं वो काफ़ी लो हैं। प्रिंस एडवर्ड इजलैंड और क्विबेक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी जो है वो मशहूर उनकी स्टेट है और प्रोविंस है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रेट चलता है इस। उसके बाद नोवा स्कॉटिया, उसके बाद उसमें भी नॉर्मल है। और ये जो आपके जॉब्स की जो बताई हैं वेजेस बताई हैं, ये एक सोर्स इसका जॉब बैंक है जो कि नवंबर 2016 में उसने अपनी जो है वो अपडेट निकाली थी और रिपोर्ट निकाली थी, उसके मुताबिक आपको ये सैलरीज वेजेस बता रहे हैं। तो ये जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अप टू द एम्प्लॉयर होता है कि आपको कितनी वेजेस वो देते हैं और किस वेज पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये एक नॉर्मली एक आइडिया जो है वो जॉब बैंक की तरफ से एक सोर्स बताया जा रहा है, जिसमें नवंबर 2016 में आपको ये टोटल आपको बताया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका आइडियाज़ जो है वो जॉब वेजेस के बारे में एज अ ट्रक ड्राइवर कनाडा के अंदर वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो फौरी से पहले मिल जाएँ।